हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ पटेल दीक्षिता अश्वमेघ विद्यालय किल्ला पारडी एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट साइंस यूनिट नंबर 4 हीट। फ्रेंड्स, इन दिस यूनिट वी आर लर्न अबाउट हीट। सम सब्सटेंस आर हॉट लाइक टी एंड सम सब्सटेंस आर कोल्ड लाइक आइसक्रीम। Then we learn about measuring temperature. In this topic, we are learn about thermometer, clinical thermometer and laboratory thermometer. Clinical thermometer are used for measuring human body temperature and laboratory thermometer are used in laboratory. So friends, today we are discuss about the next topic, transfer of heat. Transfer of heat. Friends, transfer of heat. वर्ड से ही आपको पता चल जाता है कि हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर। ओके, सो हीट का ट्रांसफर। फ्रेंड्स, आपने अपने घर पे भी किचन में देखा होगा कि जब हम फ्राई पैन को गर्म करते हैं, फ्लेम के ऊपर रखते हैं, तो क्या होता है, जो पैन है वो अराउंड मींस पूरा पैन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ओके, और जब हम पैन को, फ्राई पैन को फ्लेम से रिमूव करते हैं, ओके, रिमूव द पैन फ्रॉम द फायर, इट स्लोली कूल्स। क्या होगा, धीमे धीमे वो कूल हो जाएगा। व्हाई डज इट कूल डाउन, ऐसा क्यों हुआ, फ्राई पैन जो है वो हॉट से कूल मींस कैसे वो धीमे धीमे हॉट में से कूल हो गया, Why? ऐसा क्यों होता है? The heat is transferred from the pan to the surrounding. क्या होता है? Pan में heat जो है वो surrounding means पूरे pan में क्या हो जाती है? Transfer हो जाती है. So the pan to the cool. Okay? क्या होगा? Pan क्या हो जाएगा? Cool हो जाएगा. So friends, दोनों case में क्या होता है? जब हम flame के ऊपर पैन को रखते हैं तो वो क्या होगा, हॉट हो जाएगा, एंड जब हम फ्लेम से पैन को रिमूव करते हैं तब क्या होगा, पैन कूल हो जाएगा। तो दोनों में क्या हुआ, एक में हीट हुआ एंड एक में कूल हुआ। तो ये दोनों कंडीशन में जो हीट है उसका क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। ओके, सो द हीट फ्लो फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ लोअर ऑब्जेक्ट। ओके, हीट कैसे ट्रांसफर होती है, हॉटर ऑब्जेक्ट से लोअर ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर होती है। सो फ्रेंड्स, अब हम एक एक्टिविटी से ये देखेंगे। सो फ्रेंड्स, लुक एट हियर, आई हैव वन आयरन रॉड मींस वायर। ओके, मेटल का वायर है एंड ये क्या है, कैंडल। सो कैंडल से हीट वायर में कैसे ट्रांसफर होती है, एंड वायर के वन एंड मींस वन साइड से वो हीट होती सेकंड एंड तक जाएगी। ओके, सो लुक एट हियर, हीट जो है यहाँ पे ट्रांसफर होगी एंड जो वायर है आयरन का वायर वो कैसा हो जाएगा, रेड। ओके, सो फ्रेंड्स लुक एट हियर, ये वायर कैसा हो गया, रेड कलर का। ओके, सो फ्रेंड्स बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 4.6, जिसमें क्या दिया है कि क्या करना है हमें, ब्रिक्स मींस जिसे हम ईंट बोलते हैं। ओके, सो टू ब्रिक्स लेनी है एंड ब्रिक्स में क्या फिक्स करना है, रॉड, एल्यूमिनियम और मेटल रॉड को क्या करना है, फिक्स करना है। देन उसके ऊपर सेम डिस्टेंस में क्या करना है, वैक्स के पीसीस लगाने, क्या लगाना है, वैक्स के पीसीस,
एंड वन एंड पे हमें क्या करना है, कैंडल और बर्नर से क्या करना है, हीट देना है. ओके okay? इस तरह से कैंडल या फिर बर्नर से क्या करना है, हीट देना है. सो जैसे जैसे हम हीट ट्रांसफर होगी वैसे वैसे वैक्स क्या होगा, मेल्ट होके नीचे गिरेगा. सो ये फर्स्ट जो वैक्स का पीस है वो फर्स्ट रिमूव होके ओके okay, इस तरह से फर्स्ट वो मेल्टिंग होगा, देन सेकेंड थर्ड, और जैसे जैसे हीट ट्रांसफर होगी, हीट कैसे कहां से कहां ट्रांसफर होती है, हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट. सो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर हीट ट्रांसफर होगी इस तरह से. सो जैसे जैसे हीट ट्रांसफर होगी वैसे वैसे वैक्स के जो पीसेस है वो मेल्ट होके नीचे गिरेंगे. ओके सो आपको ये एक्टिविटी अपने घर पे करके देखनी है. एंड नाउ वी लर्न अबाउट द नेक्स्ट. सो फ्रेंड्स, व्हाट इज कंडक्शन? आपने नाम तो सुना ही होगा, कंडक्शन कुकर या कंडक्शन पैन. ओके सो कंडक्शन किसे बोलते हैं, व्हाट इज कंडक्शन, व्हाट इज कंडक्शन, कंडक्शन. ओके सो फ्रेंड्स, व्हाट इज कंडक्शन, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू कोल्डर एंड एंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्टर. ओके तो जिस ऑब्जेक्ट में हॉटर एंड मींस हॉट एंड से कोल्ड एंड तक जो हीट है वो ट्रांसफर हो तो उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, कंडक्शन. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडक्शन. सो द प्रोसेस बाय विच हीट इज, द प्रोसेस इन विच, किस प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में, प्रोसेस इन विच हीट इज, हीट का क्या होगा, ट्रांसफर. ओके कहां से कहां हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट. ओके हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगी, हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट. ओके मीन्स हॉटर एंड, हॉट ऑब्जेक्ट और हॉटर एंड टू कोल्डर एंड, हॉटर एंड टू कोल्डर एंड कहां से ट्रांसफर होगी, हॉट से कोल्ड की ओर. ओके सो हॉटर से कोल्डर की तरफ वो क्या होगी, ट्रांसफर होगी. ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्ट, एज कंडक्शन. ओके तो उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, कंडक्शन. जिस प्रोसेस में, इन द प्रोसेस इन विच, जिस प्रोसेस में हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन. सो फ्रेंड्स, कभी भी आपको, आप कभी भी कंडक्शन वर्ड सुनो तो आपको ये माइंड में आ जाना चाहिए कि हॉटर एंड से कोल्डर एंड की और हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है. ओके सो फ्रेंड्स, इन सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय अ प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. ओके सो सॉलिड में क्या होगा कि कंडक्शन में जैसे हीट ट्रांसफर होती है वैसे ही हीट कैसे ट्रांसफर होगी, सॉलिड में. ओके सो फ्रेंड्स, आपने मेटालिक पेन यूज किया होगा घर पे. सो मेटालिक पेन का जो हैंडल होता है वो किसका होता है, वुड का या फिर प्लास्टिक का. ओके सो मेटालिक पेन जो होता है, मेटालिक पेन, तो उसका होल्डर जो है वो वुड का होता है मींस लकड़ी का होता है या फिर
प्लास्टिक का होता है। सो आप क्या आप उसे हैंडल कर सकते हो, मीन्स कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट, मीन्स जब आप हैंडल कर रहे हो उस पैन को तब आपको हर्ट होगा या नहीं? यस, आपको हर्ट नहीं होगा बिकॉज वुड में हीट का जो ट्रांसफर है वो बहुत ही स्लो होता है, मेटालिक में सबसे ज़्यादा होता है और वुड में स्लो होता है, इसकी वजह से आपको जल्दी गर्म नहीं लगेगा। सो फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड ट्रांसफर ऑफ हीट। थैंक यू।